हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस इज आर सेशन नंबर 18 ऑन नबार्ड फेज टू आंसर राइटिंग एग्जाम अब बहुत ही करीब है तो टेंशन में आकर के दिन नहीं खराब करना है टाइम नहीं खराब करना है और ज्यादा जोरों से तैयारी के ऊपर अपने आप को फोकस्ड रखना आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो हर रिलीजन के अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल है चाहे वो कोई भी रिलीजन है दुनिया का को कोई भी धर्म है उसके अंदर एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि फोकस आप अपने काम के ऊपर करें यह सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं हर रिलीजन के अंदर आपको मिलेगा ये काम के ऊपर आप फोकस करें अपने एंड जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पर आप ये मत सोचे कि उसके लिए आपको फल क्या मिलेगा ठीक है ये कोई प्रवचनबाजी नहीं कर रहा हूं मैं ये एक बिल्कुल साइंटिफिक चीज आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन फ्रूट के ऊपर रहेगा तो आप वर्क के ऊपर फोकस नहीं रहोगे और जब आप वर्क के ऊपर फोकस नहीं हो तो डेफिनेटली फ्रूट आपको फिर मिलेगा ही नहीं समझ रहे हो तो एक इंसान जब काम करता है तो वो ये सोचता रहे कि उसको खाने को मिलेगा तो वो काम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएगा उसका पूरा दिमाग खाने के ऊपर ही रहेगा ठीक है तो काम करने के बाद उसको पैसा मिलेगा उसके बाद जाकर के वो कुछ खाएगा तो वो एक सक्सेसफुल मॉडल रहेगा तो वही मॉडल आप लोगों ने फॉलो करना है नॉन एमसीक्यू कोर्स आप जानते हो नॉन वीडियोस कोर्स एमसीक्यूज के लिए आप जानते हो आपको एमसीक्यूज मिलते हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपनी तैयारी चेक करें एंड डेफिनेटली फिर सोल्यूशन तो उसके आपको मिलेंगे किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा क्वेश्चन जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है आपको क्वेश्चन दिया गया था हाईलाइट द वेरियस इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया पंद्रह नंबर का क्वेश्चन था छह सौ वर्ड में लिखना था आंसर का स्ट्रक्चर वही रहेगा जो किसी भी आंसर का स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहेगा सो स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपका वही होगा आपको सबसे पहले इंट्रो देना फिर आपको बॉडी में जाना है और फिर आपको कंक्लूजन के अंदर जाना है ठीक है इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिख सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर आप इंडिया का जो वाटर सिनेरियो है एक तरह से वो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं ठीक है उसके बाद बॉडी के अंदर जो भी वेरियस इश्यूज इंडिया के अंदर हैं वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड वो आ जाएंगे एंड फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो आप कंक्लूजन के अंदर हाईलाइट कर सकते हो वेरियस जो स्कीम्स वगैरह हैं वैसा कुछ आप हाईलाइट कर सकते हो कि सरकार कैसे क्या काम कर रही है वे फॉरवर्ड आप एक दे सकते हो तो एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं अच्छा अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देता हूं ना लिखने के लिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही पॉइंट्स आंसर के अंदर आ सकते हैं और भी बहुत कुछ आ सकता है आंसर के अंदर हम तो बस एक मॉडल आपको यहां पर देते हैं ठीक है बाकी आपकी इनोवेशन के ऊपर जरूर चीजें जो है वो मैटर करेंगी इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो पहले तो इंडिया की थोड़ी सी सिचुएशन को डिस्कस कर लूंगा मैं इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जहां पर भी दे रहे हो मैंने काफी के अंदर बच्चों के आंसर में देखा है कि फैक्ट जो है बड़े इधर उधर कर देते हो तुम लोग और फिर कई बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर फैक्ट अगर थोड़ा गलत हो गया तो क्या पता क्या चलता होगा पता नहीं उन्होंने कहा से सुना या किसी ने बोल दिया होगा आजकल बच्चे टॉपर वीडियोज और इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करने लगे हैं ठीक है हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का फैक्ट कु, उसने कुछ दिया हो वो गलत हो और वो इग्नोर चला गया हो इग्नोर हो गया हो ह्यूमन एरर हो सकता है लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा बेटा और ये आपके एग्जाम की प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा नहीं होता और अगर आपके गलत फैक्ट्स की वजह से आपके नंबर कम आए आपके आंसर uh, के अंदर जो गलत फैक्ट्स हैं उसकी वजह से अगर आंसर कम आए तो किसको ब्लेम करोगे क्या ढूंढोगे उस यूट्यूब वीडियो वाले को या उस कोर्स वाले को या उस टॉपर को और अगर ढूंढ भी लोगे उसको बोलोगे तेरी वजह हो गया वो कहेगा चल भाग से तेरे को कौन जानता है ठीक है तो बातों बातों में मत आया करो अपना दिमाग चलाया करो तो 2.4 परसेंट हमारे पास दुनिया का टोटल एरिया है 17 परसेंट हमारे यहाँ पर दुनिया की पूरी पॉपुलेशन है और हमारे पास चार परसेंट जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड का ठीक है अब देखो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है लैंड एरिया थोड़ा सा है वाटर भी फ्रेश वाटर सप्लाई भी कम है तो वाटर कंजर्वेशन तो अपने को यहीं से समझ आ जाता है कि अपने को वाटर कंजर्व करना जरूरी है ऑप्टिमम यूज करना जरूरी है लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि मैक्रो लेवल के ऊपर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इंडिया के अंदर शॉर्टेज है पानी की ऐसे सीनेरियो नहीं है जैसे आप कहीं अफ्रीकन कंट्रीज में या डेजर्ट कंट्रीज में चले जाओगे ठीक है वहां पर तो वाटर फ्रेश वाटर सोर्सेज ही नहीं है अब इसराइल जैसी जो कंट्रीज है सऊदी अरेबिया जैसी जो कंट्रीज है वहां पर फ्रेश वाटर के सोर्सेज ही नहीं है लेकिन अपने पास फिर भी मैक्रो लेवल पर हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही अपने यहाँ पर कमी है ठीक है लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड करें करे। तो मेजर इश्यूज के अंदर क्या आ जाएगा सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि यार फ्लड एंड फ्लड मैनेजमेंट एक बड़ा मेजर इशू है हिंदुस्तान के अंदर बारिश होती है ठीक है बारिश होती है हिंदुस्तान के अंदर बारिश होने के चार महीने जो ज्यादातर जा, तो हिंदुस्तान के अंदर बारिश होती है अब वो पानी बारिश के फॉर्म में आता है एंड आप बिलीव नहीं करोगे मैक्सिमम जो वाटर है वो आपका ड्रेन हो जाता है ठीक है सरफेस वाटर ड्रेनेज हो जाता है और अल्टीमेटली उस वाटर को आप यूज ही नहीं कर रहे इंडिया के अंदर अगर आप उस रेन वाटर को जो आ रहा है उसको प्रॉपरली हार्वेस्ट कर लोगे उसको प्रॉपरली यूज कर लोगे ना तो अपने पास पानी की कमी नहीं है लेकिन वो चार महीने के अंदर सारे का सारा डाउनपोर हो रहा है और उस चार महीने के अंदर जो बारिशों में डाउनपोर हो रहा है उस पानी को हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं ठीक है तो होता क्या है चार पांच महीने तो हम देखते हैं कि कभी न्यूज आती है आसाम में बाढ़ आ गई बंगाल में इतनी बाढ़ आ गई इतने गांव डूब गए इतने घर डूब गए यूपी में इतनी बाढ़ आ गई बिहार में इतनी बाढ़ आ गई फिर अगले छह आठ महीने हम सुनेंगे कि सूखा पड़ गया ये हो गया वो क्योंकि हम उस पानी को मैनेज नहीं कर पा रहे ना उस वाटर को हम मैनेज नहीं कर पा रहे ठीक है तो ये प्रॉब्लम हर साल होती है कि कुछ पार्ट जो है कंट्री के फ्लडेड हैं और बाकी के साल आप देखोगे कि आपको सूखे की खबरें सुनने को मिलेंगी अब अगर आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है फ्लड्स की तो उसके लिए आपको एक अप्रोच अप्रोच चाहिए ठीक है एक सिंगल से नहीं होगा अब उसमें आपको प्रिवेंशन भी करना है प्रोटेक्शन भी 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 करना 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 है भी करना है है मैनेजमेंट फोरकास्टिंग अर्ली वार्निंग भी चाहिए अगर आप फ्लड्स की प्रॉपर मैनेजमेंट चाहते हो प्रिवेंशन में आ गया कि पहले तो बाढ़ आई ना कैसे आप उस पानी को प्रॉपरली हार्वेस्ट कर पा रहे हो ठीक है कितना आप उसको हार्वेस्ट कर पा रहे हो और अगर फ्लडिंग हो भी रही है तो आप उसको किस स्केल के ऊपर मैनेज कर पा रहे हो आप क्या टाइमली फोरकास्टिंग कर पा रहे हो कि इतना आपके पास डाउनपोर आने वाला है और अगर एक्सेस में डाउनपोर होना है जो आपकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के से ज्यादा है तो क्या आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है ठीक है अब फ्लड को तो आप प्रिवेंट कर सकते हो ऐसा नहीं है कि फ्लड्स को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते लेकिन उसके लिए आपको रिवर जो रिवर्स है बेसिकली पानी फ्लडिंग होती कैसे है आपके जो नदियां हैं जो छोटे मोटे नाले हैं उनके अंदर क्या होता है बारिशों के टाइम पर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है एकदम से रिवर होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाता है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू फ्लडिंग तो आपको उस रिवर कैचमेंट एरिया को मैनेज करना पड़ेगा वाटर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है यहां पर चाहे वो हम हिली कैचमेंट की बात करें जो नेपाल भूटान से आने वाली नदियां

सिस्टम्स ठीक है ताकि आप पानी को स्टोर कर पाओ जो वो आपके चार महीने उसमें आपको पानी को अच्छे से मैनेज करना है स्टोर करना है नाउ फ्लड मैनेजमेंट स्कीम शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और किस चीज के साथ आप डेवलप कर सकते हो आप जो रोड बना रहे हो आप जो रेलवे बना रहे हो आप जो इनलैंड वाटरवे बना रहे हो या कनाल या कमांड एरिया बना रहे हो ये सब कंस्ट्रक्शन के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि क्या आपने जो प्रॉपर फ्लड एंड फ्लड मैनेजमेंट रूल्स हैं वो फॉलो किए अब बेंगलोर में बाढ़ क्यों आ जाती है हम देखते हैं बेंगलोर में बाढ़ आ गई है अभी पीछे हमने देखा था कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं क्यों तोड़े जा रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर रोड या घर बने वो बन गए सीवरेजिस के ऊपर तो जो रेन वाटर है उसको जाने के लिए ड्रेनेज ही नहीं मिल रहा तो वो एक प्रॉब्लम हो गया नॉट ड्रेनेज इंप्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप प्रॉपरली उस वाटर को यूज कर सको हार्वेस्ट कर सको और सीवरेजेस के थ्रू भी आपको इस तरीके से लेकर के चलना है कि आप उस पानी को कहीं ना कहीं स्टोर कर सको ड्रेजिंग एट सेलेक्टिव लोकेशंस ड्रेजिंग बेसिकली क्या होता है रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज के अंदर एक तरह से आप ये लगा लो कि उसकी गहराई बढ़ाई जाती है ठीक है तो वो आप कर सकते हो जिससे आप फ्लड लेवल्स को कंट्रोल कर सको ज्यादा पानी उसके अंदर अकोमोडेट कर सको दूसरी जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम आती है वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड वो है वाटर लॉगिंग के अब ये भी एक तरह से फ्लड के साथ ही एसोसिएटेड है अब यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है वाटर लॉगिंग में क्या हो रहा है हम डिफाइन कैसे करते हैं वाटर लॉगिंग की कंडीशन को जहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो राइज कर जाता है अंडरग्राउंड वाटर टेबल इतना राइज कर जाता है कि वो सरफेस के क्लोज आ जाता है और एक तरीके से आपको ऐसा दिखेगा कि पानी जो है वो लैंड के ऊपर खड़ा है तो अल्टीमेटली उसमें हुआ क्या है अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो राइज कर गया है। और ये किस वजह से होता है क्योंकि आपका जो ड्रेनेज मैकेनिज्म है वो सफिशियंट नहीं है ठीक है अब वॉटर लॉगिंग क्यों होती है अगर आपने जो नेचुरल ड्रेनेज है अब जैसे मैंने आपको बेंगलोर का एक्जाम्पल दिया तो नेचुरल नेचुरल ड्रेनेज को आपने हिंडर कर दिया आपने उस पर सड़क बना दी रेलवे बना दिया ठीक है टाउन खड़ा कर दिया घर बना दिए तो डेफिनेटली पानी जाएगा कहां बेचारा पानी की तो कोई गलती नहीं है ना ओके नाउ द मोस्ट अर्जेंट टास्क इन अ न्यू पैकेज फॉर वॉटर लॉक्ड एरियाज देयर फोर इज टू मेक अ कॉम्प्रीहेंसिव ड्रेनेज प्लान आपको ड्रेनेज प्लान बनाने पड़ेंगे चोर्स क्या होते हैं बिहार में चौर्स बोलते हैं जो आपके वेटलैंड एरियाज होते हैं तो वेटलैंड एरियाज को लिंक करें वाटर कोर्स एरियाज के साथ रिवर्स के साथ लिंक करें ताकि एक प्रॉपर ड्रेनेज जो है पानी को पूरे का पूरा कोर्स मिले आ, अपना ड्रेन होने के लिए ओके अब इसके लिए प्लानिंग चाहिए कोऑर्डिनेशन चाहिए विलेज एंड पंचायत लेवल के ऊपर अब देखोगे अगर इंडिया के अंदर वाटर लॉगिंग से इफेक्टेड एरिया कितना है कम से कम छह मिलियन हेक्टेयर लैंड इंडिया के अंदर वाटर लॉगिंग से इफेक्टेड है तो काफी एक मेजर प्रॉब्लम जो है ये बनकर के हमारे सामने आता है

कि जो डिस्पोजल हो रहे हैं रिवर के अंदर चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो टाउनशिप के हैं दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम तो सस्टेनेबिलिटी पानी की एक मेजर इश्यू है इंडिया के अंदर अब थ्रेट्स क्या होते हैं वाटर क्वालिटी को अनट्रीटेड अगर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जिसके अंदर केमिकल बायोलॉजिकल वेस्ट हो सकते हैं वो सीधा पानी में जा रहा है म्यूनिसिपल वेस्ट है शहरों का जो वेस्ट है ओपन डेफिकेशन से जो पोल्यूशन हो रहा है अभी गंगा को साफ करने के लिए मेजरली हमने यही बात की ना कि ओडीएफ फ्री बनाना पड़ेगा हमें गंगा के आसपास जो भी आपके विलेजेस हैं ठीक है फार्म्स से जो रन ऑफ हो रहा है जिसकी वजह से जो पानी होता है फार्म से जो रन ऑफ होता है उसके अंदर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स होते हैं जो अगेन रिवर को जाकर के पोल्यूट करते हैं यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ठीक है इसके लिए हमें स्वच्छ भारत मिशन रूरल सैनिटेशन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ठीक है म्यूनिसिपल वेस्ट जो भी रिलीज हो रहा है पानी में उस, रिलीज होने से पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट इस सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा साथ ही साथ फार्मिंग प्रैक्टिस को भी मॉड्यूलेट करना पड़ेगा ताकि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज हो जो अल्टीमेटली रिवर में ना जाए रन ऑफ के साथ तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंटिन्यूअसली यहां पर प्रमोट कर रहे हैं नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आ जाती है कोऑर्डिनेशन की अब देखो इंडिया के अंदर यह प्रॉब्लम आपको हर एरिया के अंदर देखने को मिलती है क्योंकि हमारे यहां पर किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए ना मल्टीपल एजेंसीज बनी हुई है अब सरकार की अगर हम बात करें तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो अथॉरिटीज हैं अलग अलग अथॉरिटीज आपको मिलेंगी डोमेस्टिक यूज के लिए अलग मिलेगी एग्रीकल्चर यूज के लिए अलग मिलेगी ठीक है अब देखो मेजर मीडियम है माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट को कौन देखता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर देखती है ठीक है उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज वाटरशेड मैनेजमेंट को देखता है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखेगा जो वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम्स को देखेगा ठीक है वाटर यूज एफिशिएंसी को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देखेगा तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इंडिया के वाटर इशू को रिजोल्व करने में उसके बाद जी वाटर कन्फ्लिक्ट है वाटर कन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है आप देखो सरकार को कॉर्पोरेट सेक्टर को भी प्रमोट करना है तो काफी सारे केस स्टडीज हमारे पास ऐसे आते हैं जहां पर सरकार ने लैंड इक्विजिशन किया है या वाटर डाइवर्जन कर दिया नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है फार्मर और सरकार के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो जाता है तो ये एक तरीके का कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है तो फार्मर्स को सरकार को एश्योर करने की जरूरत है कि जी जो खेती का पानी है वो कहीं नहीं जाने वाला ठीक है ताकि वो उसको प्रोडक्टिवली यूज करें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के 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 अंदर चलो हम हम पाकिस्तान चाइना साथ तो लड़े पानी के लिए समझ भी आता है हम आपस में हमारी स्टेट्स लड़ती हैं चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो केरला तमिलनाडु हो चाहे वो महाराष्ट्र और कर्नाटका हो तो ये सारी स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं वाटर रिलेटेड हरियाणा और पंजाब हो तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इंडिया के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है ठीक है अब

इन डिस्प्यूट्स को टू द अर्लीस्ट रिजॉल्व करने का ताकि इंडिया अपने वाटर इश्यूज को अच्छे से डील कर पाए इंटर कंट्री वाटर इश्यूज तो है ही हमारे अगर आप देखोगे काफी सारे रिवर्स इंदर्स रिवर है चाइना से आता है ठीक है तिब्बत से उसके बाद आपका जो आ, नेपाल से बहुत सारे रिवर्स आते हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र के साथ रिवर डिस्प्यूट चलता रहता है तो इनके अंदर भी आपको बैठना पड़ेगा इन देशों के साथ और प्रॉपर एक अरेंजमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये ट्रांस बाउंड्री के रिवर इश्यूज ना हो और अपना पानी आप प्रोडक्टिवली यूज कर पाओ अल्टीमेटली आप इसके अंदर कंक्लूड कर सकते हो कि देखो जी वॉटर मैनेजमेंट मेजर कंसर्न है किसी भी देश के लिए आज और इसीलिए ऐसा बोला भी जाता है ना कि अगर तीसरा महा विश्व युद्ध होगा तो वो किसके लिए होगा पानी के लिए होगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं देखो इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए जा रहे हैं चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो जहां पर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं या डोमेस्टिकली हो जो आप जैसे आपका क्लीन गंगा मिशन है तो जरूरी ये है कि इन इनिशिएटिव्स की अप्रोप्रिएट इंप्लीमेंटेशन किया जाए ग्राउंड लेवल के ऊपर तो इस तरीके से आप अपने आंसर को यहां पर कंक्लूड कर सकते हो ठीक है तो ये एक बढ़िया आंसर आपका निकल करके आ जाएगा पॉइंट्स इसके अंदर आप और भी डाल सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ ये वैलिड पॉइंट है अच्छा जब कोई पॉइंट डालते हो ना एक मैंने आंसर चेक करते हुए जो ऑब्जर्वेशन किया बच्चे ना पॉइंट लिखते हैं कोई आधी लाइन में या एक में और उसको छोड़ देते हैं। ना उसके साथ कोई एग्जाम्पल देते जस्टिफिकेशन देते वो एक तरीके से हो वो बॉस है जो चेक कर रहा है उसको समझ तो आए तुम्हारी बात तुम क्या बोल रहे हो छोटा आंसर लिखने के चक्कर में अपने आंसर की ऐसी तैसी करे जा रहे हो तुम लोग तो वो मत करो तुम्हारा ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जो टेलीग्राम के ऊपर तो पहले ही शेयर कर चुका हूं वाई फार्मर्स रिजॉर्ट टू इम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वट आर इट्स इम्प्लीकेश ठीक है ऑल्सो सजेस्ट द वे फॉरवर्ड तो पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है छह सौ वर्ड में अटेम्प्ट करना है ठीक है इसकी वीडियो बना करके भी आज ही अपलोड कर दूंगा जिसने अभी तक नहीं भेजा है वो टेलीग्राम पे आंसर लिख करके भेज दो एंड आंसर भी आज चेक हो जाएंगे जितने पेंडिंग है ना सारे चेक करने की कोशिश करूंगा चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो यही है अभी तो आ, दाना पानी चला रहा है और हिम्मत दे रहा है कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो रोज उठ करके देखता हूं दिन में दस बार कि किसी ने सब्सक्राइब किया या नहीं ठीक है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कंटेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है चलो टेक केयर एंड बाय